मेरे पिताजी ने जब से उम्र संभाली तब से पादरगढ़ की सेवा करी। दो मरतबा यहाँ से चेयरमैन रहे नगर पालिका के। शहर को पहली मरकरी लाइट दी, सीसी गलियाँ दी, कलोनियाँ मंजूर करवाई। इस शहर को बनाने में मेरे पिताजी ने अपना खून पसीना एक किया। जिस समय मेरे पिताजी यहाँ के एमएलए बने, पादरगढ़ को चंबल की घाटी कहा जाता था। एक दर्जन से ज़्यादा दुकानों पर पुलिस बैठी थी। क्यों? यहाँ पे गुंडे मंत्रियाँ मांगते थे। हमारी सरकार आई, वो गुंडागर्दी ख़त्म हो गई थी, शहर हमारा पीसफुल हो गया था, तरक्की की राह देख रहे थे लोग यहाँ पे। राजनीतिक तौर पे जितनी मजबूती से हम अपने हलके की आवाज़ उठा रहे थे, शायद वे उन लोगों को पसंद नहीं आई जो इस शहर को तरक्की की राह पे नहीं देखना चाहते, हमारे परिवार को देखना नहीं चाहते। पिछले 6-7 महीने से बार बार इनपुट आ रहा था, सीआईडी का भी था, लोकल पुलिस का भी था, कि भाई आपके ऊपर हमला हो सकता है, सावधान रहिए। लेकिन मरने वाले को तो हमेशा सावधान रहना पड़ता, लेकिन मारने वाले को तो एक ही मौका चाहिए। आज उनको वो मौका मिल गया और मैं अपने पिताजी को खो बैठा। देखिए 6 महीने से लगातार हमारा पूरा परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा था। मेरे भाई कपूर ने कई बार सुरक्षा की मांग की, पत्रकार वार्ता करके भी मांग की। मेरे पापा ने हर उस अधिकारी को जो ऊपर गद्दी में बैठ के देश की हरियाणा को चलाने की बात करता है, हर उस अधिकारी को लिखित में अपनी सुरक्षा की मांग की थी कि भी मेरे और मेरे परिवार को जान का खतरा है, क्योंकि हम राजनीतिक तौर पे इतने मुद्दे उठाते हैं, भ्रष्टाचार के घोटालों के इनके सबूत दे के जब सामने लाते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। खुद कट्टर साहब से मेरे पिताजी दर्जनों बार मिले हैं। हर बार जब भी मिलते थे आके मुझे बताते थे कि बेटे इस बार कट्टर साहब ने कह दिए सुरक्षा मिलेगी, लेकिन नहीं, खोखले वादे मेरे पिताजी को बलि चढ़वाने का उन्होंने काम किया।